सो हे गाइस, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं हरीश प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाऊंगा ये एक एंटी स्लिप अलार्म फॉर ड्राइवर्स। हम इसको चौकीदार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड सिक्योरिटी गार्ड्स, दोनों एक ही होते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने ये एक एंटी स्लिप अलार्म ग्लासेस पहना हुआ है। अपना नाम बताइए। कृष्णा। बोले तो ये मेरे बड़े भैया हैं। तो अभी हम इसको ट्राई कर रहे थे जस्ट, सो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और भाई, इसको बनाना बिल्कुल इजी है। इसमें मैंने कोई भी आर्डिनो या आर्डिनो नैनो का यूज़ नहीं किया है, जिससे कि एक बजट प्रोडक्ट बन जाता है। और इसको आप अपने साइंस एग्जिबिशन में बना कर लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल इजी है। मैंने इसका डायग्राम एंड कनेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, जिसको आप देख कर इजीली इसको बना सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह एक आई ब्लिंक सेंसर, इसको हम आईआर सेंसर भी बोल सकते हैं। यह मेरे पास एक 3.7 वोल्ट की बैटरी और इसमें मैंने ये एक चार्जिंग मॉड्यूल भी लगा रखा है इसको चार्ज करने के लिए। यह एक छोटा सा बजर और इनको कनेक्शन करने के लिए चाहिए हमें कुछ नॉर्मल वायर्स और यह ग्लास। तो चलिए हम इनको बनाना शुरू करते हैं और आप चाहें तो इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंसर एंड बैटरी को कनेक्शन करूँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सेंसर है, ये एक मेड इन इंडियन है। सेंसर में जो VCC वाला पिन है, उसको हमें बैटरी के पॉजिटिव पिन में कनेक्ट करना होगा, मतलब कि प्लस वाले पॉइंट में, और GND को हमें माइनस वाले पॉइंट में कनेक्ट करना होगा। मैंने सेंसर में बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और इस सेंसर के आउट वाले पिन में एक वायर कनेक्ट करूँगा। बजर का जो पॉजिटिव पिन है, उसको हमें सेंसर के आउटपुट वाले पिन में कनेक्ट करना होगा और बजर का जो नेगेटिव वाला पिन होगा, उसको हमें बैटरी के नेगेटिव वाले पिन से कनेक्ट करना होगा, मतलब कि येलो। तो देख सकते हैं अभी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बजर के साथ ही मैं एक वाइब्रेशन मोटर भी कनेक्ट करूँगा, जिससे कि भाई जब आँख बंद होगा तो ये वाइब्रेट भी होगा और ये बजेगा भी। ओके, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक स्विच बटन कनेक्ट करूँगा, जिससे कि हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यह एक छोटा सा वाइब्रेशन मोटर मैंने ये अपने खराब फोन से निकाला था। यहाँ पर हमारा कनेक्शन बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, ये लग गया। तो सेंसर तो अपनी जगह पर ठीक से हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकार लगी होगी। अगर आप ऐसी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। और कुछ भी आपको इसमें नया जानने को मिला है, सीखने को मिला है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।